हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो, एवरी वीक सैटरडे को मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें हम लोग ब्रेन हैकिंग ट्रिक सीखते हैं, किस तरीके से हम दिमाग का यूज करके, किस तरीके से दिमाग को मैनिपुलेट करके, ट्रिक करके हम अब चीजें लाइफ में इजी बना सकते हैं। पिछले कुछ वीक से मैं अपलोड कर रहा हूं और काफी लोगों को फायदा हो रहा है, जैसे कि आप लोग कमेंट में बताते हो। आज वैसे ही एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आया हूं। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, कैटलिस्ट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहां पे बहुत बार मैसेज किया है कि सर जल्दी पढ़ना किसी भी चीज को और उसको जल्दी से याद कर लेने की क्या ट्रिक हो सकती है, किस तरीके से हम ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हैं या बेसिकली क्या मैकेनिज्म हो सकता है उस चीज को पकड़ने का, कि जल्दी पढ़ भी लें और जल्दी याद भी कर लें, क्या चक्कर चला सकते हैं दिमाग के अंदर इस चीज को होल्ड बनाने के लिए। तो आज उसी चीज का एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। वो सॉल्यूशन एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीजें मैं वही चीज लेके आता हूं जो प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका होता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे मैं बहुत सारी बुक्स, जब मैं प्रिपरेशन करता था यूपीएससी की, तो बहुत सारी बुक्स मैं एक वीक में, एक हफ्ते में खत्म कर देता था, काफी मोटी मोटी बुक, क्योंकि मैं उनको पढ़ने का एक ट्रिक अप्लाई करता था हमेशा। और मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो हमेशा बोलते थे, यार इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हो, हमें एक महीना लगता है, तुम यार 5 दिन में खत्म कर देते हो। तो उसको किस तरीके से मैं करता था, आज मैं आपको उसकी कुछ ट्रिक समझाऊंगा, साथ में उसके एक साइंस भी बताऊंगा। साइंस इसलिए बताता हूं जिससे आप उस चीज का एक्चुअल मैकेनिज्म समझ पाओ, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूं तो बिना टेक्निकलिटी को समझाए और समझे बिना कोई चीज हमें समझ नहीं मिलनी चाहिए, ना मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रूव्ड एक सॉल्यूशन मैं आपको देने आया हूं जिससे आप जल्दी चीजों को पढ़ सकते हो और जल्दी चीजों को याद कर सकते हो। आज हम 4 डिफरेंट स्टेप्स को सीखेंगे, 1, 2, 3, 4। इन चारों स्टेप्स को आपको 7 दिन तक, 7 डेज तक रेगुलर रूटीन में अप्लाई करना है। किसी भी बुक को, किसी भी डेटा को, नोट्स को, जिसके भी आप पढ़ते हो, आपको वो 7 दिन तक रेगुलर रूटीन में करना है। जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू डू दिस, और फिर आप 7 दिन के बाद खुद ब खुद चेंज देख लोगे। नहीं देखोगे तो बताना, 100% देखोगे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं, एक्चुअल में सिस्टम क्या है। सिस्टम यह है कि हम जब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, हमारे पास जो आंख होती है, इस आंख का एक सिस्टम होता है। इंसान है, हम इंसान है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम पीछे का भी देख ले। हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारा आंख का एक पोर्शन होता है, आई का एक पोर्शन होता है, जिसको बोलते हैं FOVEA, ये जो पोर्शन होता है आंख का, ये एक्चुअल में आपको चीजें दिखाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं आप मेरे यहां पे इस पॉइंट पे देखते रहो, ध्यान से सिर्फ इस पॉइंट को देखो या इस पेन को देखते रहो आप सिर्फ ध्यान से, और अब मैं ये फिंगर यहां से हिला रहा हूं इतनी दूर पे, ऐसे ऐसे फिंगर हिला रहा हूं, क्या ये फिंगर आपको दिख रही है? क्या ये फिंगर आपको दिख रही है? आपको ये पेन भी दिख रहा है लेकिन ये फिंगर दिख रही है, बट आपको उतना अच्छी क्लियर विजिबिलिटी के साथ नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि आंख का जो रीजन है जिसको फोविया बोलते हैं, वो पोर्शन में जितना पोर्शन आ जाता है, जितनी चीजें उसके सामने आ जाती है, आई उसको कैप्चर कर लेता है, उसके अलावा चीजों को कैप्चर नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें पेरिफेरल विजन का यूज करना चाहिए। पेरिफेरल का मतलब होता है ये जो आंख के साइड वाला पोर्शन होता है, इससे भी हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये जो आंख होती है, इस आंख का सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है। अगर मैं आपसे कोई लिखी हुई चीज को पढ़ने की बात करूं तो जो फोविया पोर्शन होता है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 लेटर पास के देख सकता है, इससे ज्यादा ये देख नहीं सकता। इससे दूर दूर जैसे जाओगे वो ब्लर होता चला जाएगा, ब्लर होता चला जाएगा। और एक और चीज समझो, ये समझ में आ गया, ये जो फोविया है, मैं क्यों समझा रहा हूं ये साइंस, क्योंकि अभी मैं इसी साइंस को अप्लाई करके आपको ट्रिक समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये फोविया वाला पोर्शन है, ये वो है कि अगर आप इस पेन को देख रहे हो लेकिन आपको ये उंगली दिख रही है बट ब्लर दिख रही है, ज्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे हो आप। वैसे ही सेम लेटर का पोर्शन होता है कि मैं इतने पोर्शन के लेटर्स तो पढ़ लूंगा लेकिन उससे दूर के लेटर्स नहीं पढ़ सकता। मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर मेरा इतना बड़ा पेज है तो इतने बड़े पेज की पूरी लाइन में एक बार में नहीं देख सकता, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लोग बोलते हैं देख लो बट वो हो नहीं सकता, साइंस उस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रही है। तो वो रियलिटी है क्योंकि वो हमारी बॉडी है और बॉडी का एक एक पार्ट मशीन का पार्ट है। अगर आप एक एक पार्ट की टेक्निक को समझ लोगे तो आप उस पार्ट पे कंट्रोल बना लोगे और आप उस चीजों से यूज करके बढ़िया तरीके से आउटपुट निकालने लग जाओगे। तो फोविया वाला पार्ट हमें बेसिकली पकड़ना है। अच्छा, दूसरी चीज, आंख जो होती है वो एक लाइन में कंटिन्यूअसली चीजों को नहीं देख सकती। कंटिन्यूअसली चीजों को नहीं देख सकती का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से लेकर इधर तक ये पेन ऐसे करके हिलाऊं, या आप एक काम खुद टेस्ट करके देखो, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से ऐसे मूव करोगे, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से ऐसे मूव करोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लर सा विजन होगा। एक आंख बंद करो और दूसरी आंख को इधर से लेफ्ट से राइट मूव करो तो आपका ब्लर सा विजन होगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आंख होती है ना, ये किसी भी चीज को कैप्चर करती है या देखती है, तो देखने के लिए इसकी एक एबिलिटी होती है, ये चंक्स में देखती है। चंक्स का मतलब होता है ये कंटिन्यूअस स्टेटमेंट या कंटिन्यूअस मूवमेंट में या स्मूथ मूवमेंट में कोई चीज नहीं दे सकती। अगर यहां से यहां तक कुछ लिखा हुआ है, अगर यहां से यहां तक कुछ लिखा हुआ है और मैं चाहूं कि मैं आंख को ऐसे घुमा के पूरी लाइन पढ़ लूं, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन। अगर मैं ऐसे करके पूरी लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूं, आंख को ऐसे मूव करके, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन है, आंख जो होती है वो चंक्स में देखती है। चंक्स का मतलब क्या होता है, ये जंप करती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अगर ये पेन है
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये उंगली है, ये उंगली है, ऐसे में जल्दी जल्दी अगर फिंगर्स एक के बाद एक रखता चला जाऊंगा तो आप सारी फिंगर देख लोगे, बट अगर मैं लाइन से एक सारी फिंगर्स एक बार में रख दूंगा और आपको ऐसे बोलूंगा ऐसे देख लो, आंख से आप नहीं देख पाओगे, आपको ब्लर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज समझ में आ गई, एक तो हम फोबिया वाला जो पोर्शन है सिर्फ उसी के बीच के लेटर्स को पकड़ सकते हैं एक बार के अंदर, दूसरी चीज ये है कि हम एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट को अगर पूरा इतना बड़ा लाइन लिखी हुई है उसको एक बार में आंख को ऐसे घुमा के, समझ में आ रही, दिख रही है, नहीं दिख रही होगी चश्मे के अंदर, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ उस चीज को फील करना, ऐसे करके मूव करा के आप उस पूरी लाइन को एक बार में नहीं पढ़ सकते, आपको ब्रेक चाहिए, आपको जंप चाहिए, आपको आंख को बीच में स्टॉप चाहिए, एक वर्ड कॉमा स्टॉप चाहिए, तब वो उस चीज को, उस वर्ड को पकड़ पाएगी। दो चीजें समझ में आ गई है, अब हम ट्रिक पे उतर आते हैं, हमने साइंस समझ लिया, हम उस चीज को अप्लाई करने वाले हैं जो चीजें हमने अभी सीखी, मतलब एक तो मुझे इतना पोर्शन पकड़ना है जिसको एक बार में पढ़ सकता हूं, मतलब 7 से 8 लेटर, उन 7 से 8 लेटर्स को मुझे पकड़ना है, और उन 7 से 8 लेटर्स को एक बार में बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मुझे अप्लाई करनी है चंक्स वाली टेक्निक। अब मैं चंक्स वाली टेक्निक समझाने के लिए आपको स्टेप्स में लेके जाता हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपके सामने दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं मैंने, एक ये पैराग्राफ लिखा है कंटिन्यूसली, इस पे कोई भी कलर कुछ भी कैसे भी नहीं है, ये ट्रिक जो मैं अप्लाई करने वाला हूं, आज 4 ट्रिक बताऊंगा आपको, 4 स्टेप्स बताऊंगा, ऑल 4 स्टेप्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द कमिंग 1 week एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सी द चेंज अपने आप दिख जाएगा, आपको लगेगा सर क्या बात बता दी, मजा आ गया, यही चीज अप्लाई करके मैं मोटी से मोटी बुक पूरी खत्म करके निपटा देता था, और मेरा सिंपल सा फंडा होता था एक बार किताब को पढ़ लो उसके बाद उसको माइंड मैप में कन्वर्ट कर दो। माइंड मैप के नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, वरना आप पहला वाला जो कमेंट होता है पिंड कमेंट उस पर जाके वीडियो का लिंक देखना, आपको माइंड मैप कैसे बनाने होते हैं एक डेमो लेक्चर मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो उस चीज को। ठीक, तो आ जाओ वापस, ये मान लो मेरे पास दो पैराग्राफ लिखे हैं, इस पैराग्राफ को अभी भूल जाओ, ये चंक टेक्निक अप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है, एक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं इसको पढ़ो ध्यान से तो आप पढ़ तो लोगे, इंडियन हिस्ट्री कैन ब्रॉडली बी सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट, बट पॉइंट ये है कि इसमें आपको सब एक जैसा दिख रहा है, सब एक कंटिन्यूटी में दिख रहा है, मतलब आंखों को थोड़ा जोर डालना पड़ रहा है चीजों को पढ़ने के लिए, और जब जोर डालना पड़ेगा तो हो सकता है 3-4 लाइन पढ़ने के बाद आपको दोबारा से ऊपर पढ़ना पड़े, जैसा होता है ना बुक पढ़ रहे होते हैं 3-4 लाइन पढ़ ली लोग ऊपर वाला भूलने लग जाते हैं, क्यों भूलने लग जाते हैं, क्योंकि आंख उस चीज को देख के दिमाग तक वो चीज पहुंचा नहीं पा रही होती है। ध्यान रखना, आई कोई भी चीज देखती है बट बेसिकली जो बेसिक काम होता है वो परसेप्शन देखने के बाद दिमाग के अंदर जाता है, दिमाग उस चीज पे इंटेलेक्ट लगाता है, दिमाग सोचता है उस चीज को कि भाई हाँ ये चीज है, तो आंखों का काम उठा के बस दिमाग तक भेजना है, ब्रेन तक भेजना है। तो ये क्या होता है इस तरीके से, क्योंकि आंख को जोर पड़ रहा है, 3-4 लाइन आप ऐसे पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी में, और कंटिन्यूटी में आंखें पड़ती नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आंख पे जोर पड़ेगा तो आप पुराना भूलने लग जाओगे, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। जब आप पूरा पेज पढ़ लेते हो 10 से 15% चीजें आप ऑलरेडी भूल चुकी होती है या दिमाग तक वो पहुंची ही नहीं होती, जिससे आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है और वो रीडिंग में आपका टाइम डिले करती है। तो आपको क्या करना है इस चीज को ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं एक हाइलाइटर ले लो और रीडिंग करते टाइम जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सारे वर्ड्स को नहीं करना है, जो मेन वर्ड दिख रहे हैं, मतलब अगर 10 वर्ड लिखे लाइन के अंदर तो 6 वर्ड या 5 वर्ड सिर्फ आपको क्या करना है, वो हाइलाइटर से डॉट मार देना है जो मेन वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन इज रीडिंग अ सेंटेंस साइलेंटली, ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे डॉट कहाँ का लगाया है, व्हेन पे लगाया, पर्सन पे लगाया, रीडिंग पे लगाया, सेंटेंस और साइलेंटली पे लगाया, बीच वाले जो वर्ब्स होते हैं इन सबकी चीजों पर नहीं लगाना है। तो ऐसे क्या करना है, आपको शुरुआत में जितने वर्ड्स में कम से कम जितना लगा सकते हो, देखो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, शुरुआत में अगर 10 वर्ड एक सेंटेंस में लिखे होते तो हो सकता है 5 से 6 वर्ड पे डॉट लगाओ, लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप स्पीड रीडिंग सीख जाओगे, जब आप 7 दिन तक प्रैक्टिस कर लोगे इसको, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू फोकस कि एक लाइन पे मैं 3 या 4 वर्ड में काम कर दूंगा, 3 वर्ड के अंदर, जैसे मैं करता हूं, बाकी सेंटेंस मुझे अपने आप समझ में आ जाता है, मुझे पढ़ना नहीं होता। अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे मैंने सारे पैराग्राफ में हर लाइन में ऐसे ऐसे करके डॉट मारती है, ठीक है, पहले मैं बहुत सारे मार रहा हूं क्योंकि मैं एक नया बंदा हूं, मुझे अब ये टेक्निक अप्लाई करना नहीं आता है, मेरी प्रैक्टिस नहीं, एक चीज ध्यान रखना, ये सारी ट्रिक्स प्रैक्टिस पे ही चलती है, अगर प्रैक्टिस खूब करोगे तो ये ट्रिक दिमाग के अंदर चिपक जाएंगी, प्रैक्टिस चाहिए होती है हर चीज के लिए, कुछ भी करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं हमेशा बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज व्हाट परफेक्ट प्रैक्टिस इज, बार बार करना है उस चीज को। आपने डॉट मारना शुरू किया, हर लाइन में आपने 4-5-6 पॉइंट पे डॉट मारा, अब अगर आप इसको पढ़ोगे ना, अब आप इसको पढ़ोगे तो अब आपको पहले कौन सा वर्ड दिखेगा, वो वर्ड देखेगा जिसपे डॉट लगा है, और आपको चंक में दिखेगा, चंक में मतलब आप कंटिन्यूअस नहीं है, एक डॉट लगा है बीच में एक या दो वर्ड छूट गया, फिर दूसरा डॉट लगा, फिर एक वर्ड दो वर्ड छूट गया, फिर डॉट लगा है, तो अब आपकी आंख जो होगी ना, आई मैं अप्लाई करके देखना बता रहा हूं प्रैक्टिकल एकदम मजा आ जाएगा। अब पहला वर्ड देखोगे बीच वाला गोल मार दोगे, जरूरत ही नहीं है, दूसरे में देखोगे, तीसरे में देखोगे, आप सेंटेंस पूरा कर दोगे, क्योंकि जो बीच वाले हैं वो भी चंक हो गए, एक में डाउट लगाया, एक में डॉट लगा हुआ, कलर हो रहा है, दूसरा नहीं कलर, फिर कलर, फिर नहीं कलर, ऐसे करके तो आंखों को ब्रेक मिल रहा है, आंखों को ब्रेक मिल रहा है, तो वो जो चीज है वो कैप्चर कर रही है, और कैप्चर कर रही है और दिमाग के अंदर भेज रही है, समझ में आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो ये डॉट्स जो है जो वर्ड्स पे लगा रहे हैं उनको कम करने लगना, एक लाइन के अंदर 3 या 4 पे डॉट लगाना, दैट्स इट, मोर देन दैट नॉट रिक्वायर्ड, ये समझ में आ गया। दिस इज वॉट दिस टेक्निक इज नोन एज रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन, RSVP टेक्निक। एक्चुअल में इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई स्टेटमेंट पढ़ना है तो एक बार में स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे, द
आर पी, ऐसे करके एक एक करके वर्ड सामने आता रहेगा आपके, ओपन होता रहेगा, सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है ना उस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले वैन आ गया, फिर ये आ गया, फिर पर्सन आ गया, उसकी स्पीड बढ़ाते रहते हैं कि भाई 250 वर्ड पर मिनट, 500 वर्ड पर मिनट, 550 वर्ड्स पर मिनट, एक एक करके, एक दो तीन ऐसे करके वर्ड्स, तो आंख बार बार कैप्चर करती है जो उसके सामने आता है चंक्स में। तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी कैन यूज दिस मैनुअली कि भाई डॉट लगा के वी कैन स्किप सम थिंग्स, बीच बीच में दो तीन वर्ड स्किप कर दो, बाकी में डॉट मार दो। समझ में आ गया होगा, दिस इज व्हाट इज आरएसवीपी प्रेजेंटेशन, सिंपल फॉर्म में मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया। चंग समझ लो, तोड़ना है, क्योंकि आंख टूटी हुई चीजों को पकड़ती है क्योंकि वो दिमाग में भेजना चाहती है। और चीज तभी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, रीडिंग थोड़ी करनी, स्कूल थोड़ी मैडम ने खड़ा कर दिया वरना टेबल पे खड़ा कर देंगे, अगर जल्दी जल्दी चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, वो नहीं है। यहाँ पे आपको चीज समझनी भी है, पढ़नी भी है, समझ तब पाओगे जब उस चीज को पढ़ के दिमाग तक वो भेज पाएगी आंख, और तभी भेज पाएगी चीज, तभी दिमाग तक जाएगी जब आंख उस चीज को कैप्चर कर पाएगी। दिस इज फॉर द इजी कैप्चर ऑफ योर आई, आई बी बेसिकली फोबिया। क्लियर, नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। ये हो गई हमारी टेक्निक नंबर वन जो हमने अभी देखी है, आरएसवीपी टेक्निक। दूसरी टेक्निक होती है स्किमिंग टेक्निक। स्किमिंग का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है, होती है स्किमिंग, होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, आप तीन चार पैराग्राफ पढ़ा देते हो, बीच बीच की पैराग्राफ पढ़ते हो, इस तरीके से करना होता है, वो स्कैनिंग होते हैं, उसको छोड़ दो, स्कैनिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिकली याद करनी है चीजें, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बेसिकली उस चीज को रिटेन भी रखना है लंबे टाइम तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्किमिंग की। स्किमिंग का मतलब होता है आपने पहले ट्रिक तो अप्लाई करना सीख लिया है कि कैसे कैसे चीजों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, आंखों से दिमाग तक भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं स्किमिंग की। स्किमिंग का मतलब होता है यूजलेस चीजों को छोड़ देना, स्किप करना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, जब भी कोई चैप्टर उठाते हो, चैप्टर पढ़ना कैसे वो मैंने आपको बता दिया डॉट 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 लगा के। दूसरी चीज, जब भी कोई चैप्टर उठाते हो वो चीज अप्लाई करने से पहले, इससे पहले वाले ट्रिक, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके हेडिंग्स देख लेने हैं। हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग देख लेना, फटाफट चैप्टर पलटो, हेडिंग देखो, उसके बाद सबसे पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, शॉर्ट नोट दिए होते हैं, समरी दी होती है, वो सब पढ़ लेना। चैप्टर नहीं पढ़ना अभी, हेडिंग देखिए, समरी अभी पढ़ लिए, क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल ले, अभी क्वेश्चन पढ़ लिया, ये क्वेश्चन है, ऐसे करके। उसके बाद बीच में कोई फोटो वोटो हो, वो सब फोटो वोटो देख ली, फोटो का टाइटल देख लिया, मतलब आपने बेसिकली क्या किया, एक ओवरव्यू ले लिया बढ़िया तरीके से। ये स्किमिंग टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग टेक्निक अप्लाई करने का, अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो अभी आपको एक बेसिक सा सिनेरियो, एक आइडिया बन चुका है कि इसमें थोड़ा बहुत होगा क्या क्या। तो जब आप कोई चीज पढ़ोगे वो डॉट लगा के, तो वो चीज बहुत जल्दी आप कैप्चर करेगी। हमारा बेसिक एम ये है, हमें पढ़ना भी है और हमें याद भी रखना है। याद तभी रखोगे जब दिमाग में जाएगा, दिमाग में तब जाएगा जब आप उस चीज को कैप्चर करके रिटेन कर पाएगी, रिटेन तब कर पाएगी जब उसको चंक्स में चीजें मिलेगी। समझ में आ रहा हो, दोनों चीजें जोड़ दी मैंने सिंपल वे में। क्लियर, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर उधर की चीजें पढ़ लेनी है, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन हैं, हेडिंग्स हैं, फोटोज हैं, उनको देख लेना है, देन यू कैन स्टार्ट योर रीडिंग योर चैप्टर। दिस इज व्हाट द स्किमिंग टेक्निक इज। इसको अगर एक हफ्ते तक अप्लाई करोगे, छोड़ देना बीच बीच में, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं उनको छोड़ना है, क्वेश्चन रिलेटेड नहीं उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, और जो पढ़ना है वो डॉट लगा के पढ़ना है। ऐसे कर करके थोड़े दिनों में बहुत तगड़ी स्पीड बना लोगे आप। समझ में आ गया, तो किसके सिंपल स्टेप्स होते हैं, टाइटल पढ़ लो, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद जब आप पढ़ते हो ना तो पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बताया, डॉट लगा दो, डॉट 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 जो मेन मेन वर्ड्स है उन पे लगा दो फटाफट, बाकी सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फालतू चीजें भी लिखी होती है बुक की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 100% में से 60% होता है जो यूजफुल होता है, 40% कोई काम का नहीं होता, ना हम उसको याद रख पाते हैं, हमारा छोटा सा दिमाग है। बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम से पहले अगर उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवाइज अ पूरी बुक एग्जाम से एक हफ्ते पहले कर नहीं सकते। प्रैक्टिकल लाइफ जिया हूं मैं और प्रैक्टिकल अप्लाई करना आता है मुझे चीजों को, इसलिए मैं वही चीज आपके सामने सॉल्यूशन लेके आता हूं कि भाई आप उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसका फायदा उठा पाओ। तो स्किमिंग टेक्निक समझ में आ गई, चंक्स टेक्निक समझ में आ गई, इसको हम आरएसवीपी टेक्निक बोलते हैं, स्किमिंग टेक्निक समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों टेक्निक अप्लाई करने के साथ साथ दो चीजें आपको एडिशनली और रखनी है, जो मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप बताने वाला हूं। पहली चीज, आप जिस चीज को पढ़ते हो, जिस चीज को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन द सेंस, अगर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में किस चीज का क्या होता है ना। अगर आपको इंग्लिश का बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा, हिंदी की अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो हिंदी का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। संस्कृत की बुक मुझे लाके दे तो मैं कहां पढ़ पाऊंगा, मुझे तो वही पता है, पढ़ती पढ़ता पढ़ती है ना, कुछ नया लगे तो कैसे पढ़ पाऊंगा, मुझे थोड़ी पता है ना, तो पढ़ती नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर ये होता है कि आप उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप का मतलब होता है जो भी चीज पढ़ो उसके बारे में पता कर लो, नहीं पता है तो उसमें हाथ मत डालो, और हाथ डालने से पहले उस चीज के बारे में तैयार कर लो। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज करना आता ही नहीं है उस चीज में समझती क्यों घुसना फेलियर के लिए, उससे पहले उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करो, जिससे फेलियर अगर हो तो मुझे उस फेलियर को इंप्रूव करना आता हो, क्योंकि मुझे उस चीज के बारे में पता है। क्योंकि अगर मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं फेल किया हुआ, मुझे वो भी नहीं पता होगा। तो इस बेटर कि थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चौथी चीज वो क्या है, नॉलेज के लिए अगर इंग्लिश में आपको डाउट होता है तो इंग्लिश के लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आने वाला हूं कुछ वीडियोस में, नेक्स्ट सैटरडे या उसके बाद लेके आऊंगा, जिसमें आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे पकड़नी है, मैं आपको 2 मिनट की ट्रिक सिखाऊंगा, आप फटाफट सीख जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं आपको ट्रिक उसकी भी समझा दूंगा, ठीक। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे जितने ज्यादा कमेंट में जितने ज्यादा लाइक होते हैं मुझे आइडिया लग जाता है कि इस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे कैटलिस्ट ऑफिशियल के नाम से प्रोफाइल है, आप मैसेज भी कर सकते हो। चौथा स्टेप है वो क्या,
अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वो कैब अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी की वो कैब अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वो कैबलरी अच्छी नहीं तो मतलब ही नहीं, क्योंकि आप वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाओगे। मीनिंग इन द सेंस, आंखों का काम क्या है, आंखों का काम कैप्चर करना है और दिमाग में भेजना है। पर दिमाग तो सोचेगा ना, दिमाग तभी सोच पाएगा जब उस चीज का मीनिंग उसके अंदर पहले से ही फीड हो चुका होगा। पहले से फीड होने का मतलब आपने पहले वो कैब उस वर्ड के बारे में जान रखा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये शर्ट, शर्ट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि आपके दिमाग में शर्ट की पिक्चर क्रिएटेड है, आपका दिमाग जानता है शर्ट का मतलब क्या होता है, तो आप शर्ट पढ़ोगे तो वो दिमाग को पता है। बट अगर कोई ऐसी चीज पढ़ोगे जो दिमाग को नहीं पता है तो अभी सी बात है वो रिटेन नहीं कर पाओगे। रिटेन नहीं कर पाओगे तो जो सेंटेंस आपने पढ़ा या पैराग्राफ आपने पढ़ा वो आप याद ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो कैब भी आपकी बेटर होनी चाहिए। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपकी वो कैब भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश की वो कैब ठीक ठाक अच्छी का मतलब ये नहीं होता आप बहुत बड़े चैंपियन बने हो, नए नए वो कैब निकाल रहे हो, ये होना चाहिए। बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई वर्ड में अटकते हो तो डिक्शनरी आपके पास है, बाकी तो गूगल जिंदाबाद। हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में भी, तो वो कैब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो कैब की भी एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है जिसमें हम किसी भी चीज का आंसर निकाल सकते हैं, उसकी भी मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। वो भी चाहिए तो वो भी बता देना, जो चाहिए वो बता दो, खुले एकदम पूरा एकदम सिस्टम खुला हुआ है, कमेंट का जो मन चाहे वो बताओ, कोशिश पूरी की जाएगी आपको उस चीज का सोल्यूशन देने की साइकोलॉजी का, क्योंकि मैं जो चीज अप्लाई करता था उसी का सोल्यूशन दे सकता हूं और मैं इन चीजों को अप्लाई करता था पढ़ाई के अंदर। तो आई होप दैट आपको ये चीजें समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैंने आपको बताई दिया है। हमारा पहला टेक्निक था RSVP टेक्निक जिसमें हम चंक्स को उठाएंगे, दूसरा था हमारा स्किमिंग टेक्निक जिसके अंदर हम फालतू चीजों को छोड़ देंगे और पहले ओवरव्यू लेके फिर अंदर जाएंगे। इन टेक्निक्स को वोकैब और नॉलेज के साथ आप 7 दिन अप्लाई करके देखोगे, यू विल बी एबल टू सी अ बिग चेंज। आप खुद अपने आप को प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट कैप्चर एनीथिंग, चाहे फोविया हो चाहे पेरिफेरल, कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। फोविया के अंदर ही आता जाता है, वही दिखता है इधर उधर की देखने की बात जो बोलते हैं ना कि इधर से देख लो, गाय थोड़ी मैं इधर से देख लूंगा, इंसान हो ना नहीं दिखेगा मुझे, मुझे उतना ही दिखेगा। समझ में आ रहा है, हमारी बॉडी है, इस बॉडी के पार्ट्स को जानो, उसकी मशीन उसकी मैकेनिज्म को समझ लिए तो आपको मशीन चली आ जाएगी। होता है ना जनरेटर चलाना तभी आता है जब उसका सिस्टम पता होता है। सिस्टम पता करने के लिए मैं आपके सामने हूं, अगर कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा लगता है तो जूनियर्स को, खासतौर से उन बच्चों को जो अभी इस फेज में, हमेशा ध्यान रखो आप इस फेज से निकल चुके होते हो, दूसरों की हेल्प किया करो, दूसरों तक वो चीज पहुंचाया करो, उन तक पहुंचाओ, अपने जूनियर्स को अपने भाई बहन को बताओ, है ना, दोस्तों को बताओ। जितना ज्यादा लोगों के लिए हेल्प करोगे उतना ज्यादा आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ के अंदर। एट द एंड यू नीड सेटिस्फेक्शन एंड द बेस्ट सेटिस्फेक्शन इज व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स, और लोगों को फायदा होता है। जैसे आप लोग बताते हो सर आपने वो चीज बताई थी, मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर दिया था आपको, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया सर बहुत फायदा हो रहा है, एक मैंने डाइट पे लेक्चर दिया था, अभी डोपामिन पे लेक्चर दिया था, तो ये सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इन सारे लेक्चर्स के बाद जब आप बताते हो सर बहुत फायदा हो रहा है, तो खुद मुझे लगता है कि हाँ आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर समवन, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो लोगों तक पहुंचाओ ये चीजें, बाकी मस्त।